अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है और आपके साथ शेयर की है कि थीसिस में से आर्टिकल कैसे निकाले जाएं, तो बस दोस्तों ने यह सवाल पूछा है कि थीसिस में से आर्टिकल निकालते हुए सेल्फ प्लेजरिज्म का मसला हो सकता है, इस मसले पर रोशनी डालिए। तो मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में आप लिटरेचर पढ़ें तो ये एक काफ़ी डिबेटेबल इशू है। ये बड़ा एक नाजुक सा मसला है और इसमें कहीं पे तो आपको इजाज़त है काम करने की और कहीं पे आपको मना किया जाता है। तो इसका सही हल ये है कि इसको केस टू केस बेसिस पे देखा जाए। अब जहाँ तक बात है अपने थीसिस में से आर्टिकल निकालने की, तो थीसिस के ऑथर आप खुद हैं और आर्टिकल के ऑथर भी आप खुद ही होंगे, तो इसके लिए इस बात की इजाज़त दी जाती है कि अगर आप ही का थीसिस है तो आप उसमें से आर्टिकल निकालिए। रही बात ऑथेंटिकेट या टर्निटिन सॉफ्टवेयर की, तो वो सॉफ्टवेयर सिमिलैरिटी इंडेक्स निकालता है। अब सिमिलैरिटी इंडेक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने प्लेजरिज्म की है, यानी सिमिलैरिटी ज़्यादा शो होगी। उसका हल जो है वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से निकाला है। मैंने पिछले 2 दिन में 5-6 यूनिवर्सिटी से रब्ता किया और उनकी पॉलिसी और उनकी प्रैक्टिस जानने की कोशिश की, तो मुझे पता ये चला कि तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़, उसमें प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी, वो तमाम की तमाम इस प्रैक्टिस को लेकर चल रही हैं कि अगर आप अपने थीसिस में से आर्टिकल बनाएं, या दूसरी सूरत कि आपका आर्टिकल पहले छप चुका हो और थीसिस आपका बाद में सबमिट हो रहा हो, तो इन दोनों सूरतों में वो आपके किए हुए काम को उस लिस्ट में से एक्सक्लूड करते हैं। तो बाज़ इदारे तो यूं करते हैं कि सिमिलैरिटी इंडेक्स पूरे का पूरा लिख देते हैं, अगर वो 70% है, 90% है तब भी, और साथ ही लिख देते हैं कि ज़्यादातर सिमिलैरिटी आपके कौन से आर्टिकल या थीसिस के साथ हो रही है। और बाद यूनिवर्सिटीज़ ये प्रैक्टिस कर रही हैं कि आपके आर्टिकल को माइनस करके या आपके थीसिस को माइनस करके और सिमिलैरिटी इंडेक्स जब अंडर लिमिट आ जाता है तो उसको शो करती हैं। तो इस तरह ये होता है कि आपका अपना किया हुआ काम इग्नोर करके आपके लिए आसानी पैदा करती हैं। मैंने HEC की पॉलिसी भी देखी है। HEC ने अपनी पॉलिसी में, अपनी गाइडलाइंस में वाज़े तौर पर यह लिखा है कि अगर तालिबे इल्म का अपना काम हो तो उसको माइनस करके आप सिमिलैरिटी इंडेक्स निकालिए। आप बिल्कुल बेझिझक अपने थीसिस में से आर्टिकल निकालिए और यहाँ पे इस बात का ख्याल ज़रूर रखिए कि जनरल की क्या पॉलिसी है। बाज़ का जनरल आपको मजबूर करते हैं कि आप उस डाटा को, उस आर्टिकल को या उस थीसिस को साइट करें जो आपने पहले पब्लिश किया हुआ है। और टेक्निकली थीसिस जो है वो एक अनपब्लिश डॉक्यूमेंट है, लेकिन पिछले कुछ सालों से, ख़ासतौर पे PhD का थीसिस HEC की डिजिटल लाइब्रेरी में शामिल होने की वजह से उसकी पब्लिकेशन की एक सूरत निकल आई है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने किसी प्रीवियस काम को अगर साइट करना चाहें तो उसकी प्रॉपर साइटेशन दें और साइटेशन के साथ उसमें से मवाद उठाएं। आपका बहुत शुक्रिया।